नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। भेंट मुलाकात करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने तखतपुर को दी सौगातें। बेलपान और खैरी में ग्रामीणों से हुए रूबरू। कुड़िया जलाशय से मिलेगा पानी। भूपेश बघेल ने कहा जनता फिर से उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। भाजपा नेताओं को बताया अप्रासंगिक। छात्र चेतना के लिए एबीवीपी ने निकाली रैली। कहा डर से राज्य सरकार नहीं करा रही छात्र संघ चुनाव। और फिर मिलने के वायदे के साथ राष्ट्रीय व्यापार मेला संपन्न। शहरी ग्रामीण दर्शकों और व्यापारियों ने उठाया लाभ। ये थे सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेलपान शिव मंदिर परिसर के सभा स्थल में लोगों से सीधे रूबरू हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने उनको कई समस्याएं बताई जिसे जल्द निराकरण करने का उन्होंने भरोसा दिलाया। वहीं मौके पर ही कई तरह के लाभ और कार्यों की घोषणा की गई। शासन की योजनाओं का बेहतर तरीके से लाभ मिलने पर ग्रामीणों ने सीएम का आभार भी जताया। बेलपान में भेंट मुलाकात की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र में दीप प्रज्वलन माल्यार्पण के बाद राज्य गीत के साथ की गई। यहां मौजूद ग्रामीणों से मुख्यमंत्री ने सीधे संवाद की, मगर उससे पहले लोगों को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही 2 घंटे में किसानों का कर्जा माफ किया, साथ ही 17 जनवरी तक 100 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किए जाने की उन्होंने जानकारी दी। 50,000 मीट्रिक टन धान बेचा रही, अब 2 लाख मीट्रिक टन हो गए। जमीन मन में पहले परिया पड़े रहा है, अब परिया उधर देखे नहीं मिला। सब दस्तक 21 मई के, 20 अगस्त के और दिवाली है, वक्त पहली पर गए किसान मन के। दिवाली है पहली पड़ा था तो किस्त, तीसरा किस्त तो 1 नवंबर के आई, 17 अक्टूबर के दे रहे तीसरा किस्त। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अन्नदाता बहुत प्रसन्न है, फसल भी बहुत अच्छी हो रही है। इस साल समर्थन मूल्य में मूंग उड़द भी खरीदा जाएगा। उपस्थित ग्रामीणों से उन्होंने सीधे संवाद करते हुए उनकी बातें सुनी। मुख्यमंत्री को स्थानीय बिसाहूराम कश्यप ने बताया कि कर्ज माफी का लाभ उन्हें मिला है। दूसरा साल के 9,000 के हिसाब से मिल गए और ये साल के 3 किस्त मिल गए। पैसा पहले भेजा रहे थे, कल ज्यादा मिल गए। हाँ, ज्यादा मिल गए तो पैसा क्या करे? मोर लड़का बेरोजगार ही सभी तो मई महीना और लड़का है चलावा था तो टैक्सी चला वो। हाँ, बुकिंग में ओखर से वो है आप प्राप्त करा दो आर्टिकल है। हाँ, तो कहो कैसे भी वो कहो मन कोनो दिन घूमे जा दो सगस उधर माने पर। हाँ हाँ, जब जरूरत है तो जाता हूँ। ग्राम बीजा के संतोष कुमार साहू ने बताया कि उनकी 5 एकड़ खेती और 2 लाख का कर्जा माफ हुआ है। ग्राम बीजा के संतोष कुमार साहू ने बताया कि उनकी 5 एकड़ की खेती है और 2 लाख का कर्जा माफ हुआ है। इस पैसे से 15 बकरी ली है, अब 40 बकरियां हो गई हैं। सरिता जायसवाल ने बताया कि राशन कार्ड बना है, राशन मिल रहा है, पर मिट्टी तेल और गैस सिलेंडर बहुत महंगा है। पढ़े लिखे आप पढ़े तो MBA एम काम करें तो बहुत अच्छा बात है। ऐसे कर बे 21 मई दो तब मत निकाल बे पैसा ला। पहली किस्त से तो दूसरा किस्त 20 अगस्त से वो मत निकाल बे, तीसरा किस्त 1 नवंबर से दे सकता हूँ मत निकाल बे। 31 मार्च की जब दोनों तो चारों किस्त मिला के एक संग्रह निकाले तो हमको एक किस्त होगी। वो चुपे छोगे अब तो लेके लेके खा चाहिए ना। अब ये देखे फलाना तारीख की देवो 31 मार्च के निकाले नहीं मिट्टी वर्ष आखिरी नहीं। परदेसी दास मानिकपुरी ने मुख्यमंत्री से शिकायत की कि जमीन के कागज सुधरवाने के लिए पटवारी RI पैसा मांगते हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कलेक्टर को जांच करने एवं शिकायत सही पाए जाने पर पूर्व एवं वर्तमान के दोनों पटवारियों RI के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर स्कूली बच्चों के अलावा पीड़ितों और लाभान्वित लोगों से लंबी चर्चा की गई। ग्रामीणों की मांग पर कई कार्यों की यहां घोषणा भी की गई।
इस दौरान मंच में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले की विधानसभाओं में भेंट मुलाकात की शुरुआत तखतपुर विधानसभा से की गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे पहले बेलपान पहुंचे, उसके बाद खैरी गांव में भेंट मुलाकात के जरिए लोगों की समस्याएं, शासन की योजनाओं की जमीनी हकीकत और ग्रामीणों की परेशानियों को लेकर चर्चा की। इस बीच कई विकास कार्यों की घोषणाएं यहां की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरी गांव पहुंचकर भेंट मुलाकात के लिए इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिलासपुर जिले का यह पहला विधानसभा है जहां से भेंट मुलाकात की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने जनता को बताया कि मई माह की भीषण गर्मी से इसकी शुरुआत की गई थी, आज खैरी में कार्यक्रम हो रहा है, योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन जानने में निकले हैं। ऋण माफी के बारे में पूछते हुए मुख्यमंत्री ने 2500 रुपए में धान बेचने वालों की जानकारी ली, साथ ही अनेक लोगों से सीधे चर्चा कर उनकी बातें सुनी। गोधन न्याय योजना जमी वर्मी कम्पोस्ट बना दे, गोबर खरीद के गमला भी बना दे, दिया भी बना दे, गोकार बना दे, अब तो प्राकृतिक पेंट भी बना दे, और पेंट के माध्यम से जब का भी स्कूल नंबर 1000 करोड़ रूपए स्वीकृत करे में, जब का पुराना स्कूल है संधारण भी कर लो और रंगाई पोताई कर, वही प्राकृतिक पेंट है ना, गोबर के पेंट, अब गोबर है बिजली तक बनाओ। धनेश्वरी बाई ने बताया कि उन्हें राशन कार्ड के जरिए चावल शक्कर नमक तो मिल रहा है, मगर गैस और मिट्टी तेल बहुत महंगा हो गया है, जिसके कारण उन्हें परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसका निर्धारण केंद्र सरकार करती है। मोहनी कौशिक ने अपनी समस्या बताई तो मुख्यमंत्री ने उसे आत्मानंद स्कूल में दाखिला दिलाने का भरोसा दिलाया। उमा देवी ने वर्मी कंपोस्ट बेचकर गाय और गहना खरीदने की जानकारी दी। शिक्षा विभाग में पदोन्नति नहीं मिलने की बात विजय कुमार ने कही। राजनंदिनी माथुर ने मुख्यमंत्री को आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के लिए धन्यवाद दिया। दिलीप कुमार ने जाति प्रमाण पत्र की समस्या बताई। मुख्यमंत्री ने तत्काल तहसीलदार को उनके बेटे का जाति प्रमाण पत्र बनाकर देने कहा। संजय कौशिक ने बैंक के बारे में कहा कि उन्हें पैसा लेने जाने पर एक बार में सिर्फ 49,000 रुपए ही दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने बैंक मैनेजर से कहा कि कैश लिमिट को बढ़ा दिया जाए। इसी तरह अनेक परिवारों से लोगों से मुख्यमंत्री ने बात कर उनकी समस्या का समाधान किया। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हितग्राहियों के बारे में पूछा और कहा कि अभी 3 किस्त दे चुके हैं, तीसरा किस्त दिवाली के समय दिए हैं और चौथा किस्त 31 मार्च को देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीदी में रिकॉर्ड बना रहे हैं, पहले साल 84 लाख मीट्रिक टन, दूसरे साल 93 लाख मीट्रिक टन, तीसरे साल 97 लाख मीट्रिक टन, इस साल अब तक रिकॉर्ड बना लिए हैं। 3 दिन में ही पैसा किसानों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान खैरी में कई करोड़ रुपयों के विकास कार्यों की तत्काल घोषणा की। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत तखतपुर के बेलपान पहुंचे। यहां हेलीपैड में आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर और कांग्रेस के नेताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने ग्रामीण औद्योगिक पार्क का अवलोकन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा कर आवश्यक जानकारी ली। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के बेलपान में ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। बेलपान पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले ग्रामीण औद्योगिक पार्क का अवलोकन किया। रेपा औद्योगिक पार्क में ही मुख्यमंत्री ने पीपल का पौधारोपण किया। इस दौरान उनके साथ संसदीय सचिव व तखतपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह ने भी कदम के पौधे का रोपण किया। मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों के आग्रह पर उनके द्वारा बनाए गए कोसा के जैकेट को पहना और लाभान्वित हितग्राहियों से बात की। बेलपान में 6 महिला स्व सहायता समूह द्वारा मसाला, वर्मी खाद, गोबर बिक्री, मशरूम उत्पादन समेत शासन की अन्य योजनाओं के संबंध में चर्चा की। इस दौरान
तखतपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह, विजय केशरवानी, बिलासपुर संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग, पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा, कलेक्टर सौरभ कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर, जिला पंचायत सीईओ जयश्री जैन, डीएफओ कुमार निशांत और दूसरे अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयसाहू के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के बेलपान में सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा, डी पुरंदेश्वरी लौट चुकी हैं, अजय जामवाल अप्रासंगिक हो गए हैं और अब ओम माथुर भी खाली हाथ जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, एक बार फिर से जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। विधायकों के टिकट कटने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे चाहते हैं कि पूरे 71 विधायकों को फिर से टिकट मिले। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पर तंज कसते हुए कहा कि डी पुरंदेश्वरी लौट चुकी हैं, अजय जामवाल अप्रासंगिक हो गए हैं और अब ओम माथुर भी लौटेंगे खाली हाथ। पुरंदेश्वरी जी चली गई, जामवाल जी अप्रासंगिक हो गए, ओम माथुर जी भी खाली हाथ लौटेंगे। अब चुनाव आ रहा है तो वो लोग जागे हैं, अब वो लोग सक्रिय हो रहे हैं, अन्यथा इनके पास तो विषय ही नहीं है, है ना। कौशल्या माता की मायके है, हम लोग उस प्रकार से नहीं करेंगे जो योगी आदित्यनाथ हम लोगों के साथ व्यवहार किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छत्तीसगढ़ दौरे पर भूपेश बघेल ने कहा कि वे जब यूपी गए थे तो उन्हें एयरपोर्ट में रोक लिया गया था, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, उनका श्रीराम के ननिहाल में स्वागत किया जाएगा। साथ ही सभी विधायकों के कार्यशैली और रिपोर्ट कार्ड के अनुसार आलाकमान से टिकट तय होने की बात उन्होंने कही। किसान ने क्या कहा, मैंने तो उसे पूछा नहीं, उन्होंने खुद आशीर्वाद दिया अगली सरकार भी आपकी होगी, क्योंकि वो किसान जानते हैं कि उनको धान 2500 से ऊपर कभी नहीं मिलेगा। उनको मजदूरों को मालूम है कि 35 किलो चावल प्रति परिवार ये देंगे नहीं, गोबर ये खरीदेंगे नहीं, ये सब मालूम है उनको। टिकट देने का काम पार्टी का है, अब जिसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा तो पार्टी तय करेगी। मेरी कोशिश तय है कि 71 के विधायक को टिकट मिले और चुनाव जिताएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तखतपुर विधानसभा के अंतर्गत बेलपान ग्राम में कई घोषणाएं की। कार्यक्रम के दौरान विधायक रश्मि सिंह ने मंच के माध्यम से उनके समक्ष कई मांगों को रखा था, जिसका समर्थन जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया, जिसके बाद उन्होंने सभा से कई मांगों को पूरा करने की घोषणा की, जिसमें तखतपुर नगर के जल संकट को दूर करने, जल आवर्धन योजना में तखतपुर को खुड़िया जलाशय से जल आपूर्ति किए जाने की घोषणा, बेलपान मंदिर मेला स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की बात कही, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलपान के लिए एम्बुलेंस, प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास 50 सीटर का निर्माण किया जाएगा, तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भवन निर्माण कराया जाएगा, उसलापुर फ्लाईओवर से सकरी तक सड़क चौड़ीकरण कराया जाएगा, ग्राम भरनी में गुरु घासीदास जयंती मेला स्थल पर भवन एवं अहाता निर्माण कराया जाएगा, ग्राम पंचायत गनियारी को नगर पंचायत बनाए जाने की उन्होंने घोषणा की। केंद्र है, मेला भी लगता है माघी पूर्णिमा में, और इस स्थल को, मेला स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, ये मैंने घोषणा की। और उसके साथ साथ बहुत सारी घोषणाओं के साथ साथ यहाँ स्वर्गीय ठाकुर बलराम सिंह के नाम से पॉलिटेक्निक कॉलेज और रानी दुर्गावती के नाम से महाविद्यालय का नामकरण के साथ साथ यहाँ विकास के लिए जितनी मांगे हमारे विधायक जी ने की है उसमें बहुत सारी घोषणाएं मैंने की है। विकास के लिए लगातार हमारी सरकार प्रयासरत है और जो योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी मैंने किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से, युवाओं से सब ली, और जहाँ कमी पाई गई, चाहे वो नामांतरण के मामले में है, फौती उठाने के मामले में जो शिकायत मिली है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश मैंने दिया। मालूम हो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश भर की विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे योजनाओं की हकीकत और लोगों की समस्याओं से वाकिफ होते हुए उसका समाधान भी कर रहे हैं। बिलासपुर जिले में भी तखतपुर से इसकी शुरुआत हो गई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। ग्राम खैरी में भेंट मुलाकात के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान संबोध सिंगरौल के आतिथ्य में भोजन करने पहुंचे। मुख्यमंत्री का सिंगरौल परिवार ने तिलक आरती कर पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। इसके बाद भोजन में चावल, दाल, रोटी के साथ लाल और पालक की मिक्स भाजी, तिवरा भाजी, मुनगा बड़ी की सब्जी, सेमी भाटा की सब्जी, बिजौरी, मुरकू, पापड़, सलाद और विशेष रूप से चिरपोटी पाताल की चटनी परोसा। मुख्यमंत्री ने स्वादिष्ट छत्तीसगढ़िया भोजन के लिए सिंगरौल परिवार को
उपहार भेंट कर धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री श्री बघेल का आतिथ्य पाकर परिवार के सभी सदस्य गदगद उठे। संबोध सिंगरौल ने बताया कि उनके पास 2 एकड़ कृषि भूमि है जिस पर वे धान की खेती करते हैं और अब तक राजीव गांधी किसान न्याय योजना की सभी किस्तें पा चुके हैं। शासकीय आदिवासी कन्या छात्रावास का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आवासीय सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना किया। आश्रम में रहकर पढ़ाई कर रही छोटी छोटी बच्चियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने पढ़ाई के बारे में पूछा और आश्रम में सुविधाओं, भोजन, सुरक्षा, खेल, मनोरंजन के इंतजामों की जानकारी ली। इस दौरान बच्चियों की हाजिर जवाबी से मुख्यमंत्री खासे प्रभावित हुए। पहली से पांचवी कक्षा में पढ़ रही बच्चियों का आत्मविश्वास और पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की ललक देखकर मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों की सराहना की। श्री बघेल ने कहा, दूर दराज इलाकों की 36 बच्चियां अपना परिवार छोड़कर यहां रहती हैं। पढ़ने के उनके जुनून की उन्होंने तारीफ की और कहा, अब छत्तीसगढ़ को देश का सबसे विकसित राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चियों के साथ सांप सीढ़ी और लूडो खेल का आनंद लिया। मौजूद अधिकारियों को शासकीय योजनाओं का तखतपुर बालिका आश्रम को लाभ देने, बेहतर क्रियान्वयन करने कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को वैवाहिक समारोह में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे। यहां रात्रि विश्राम के अगले दिन तखतपुर क्षेत्र के खैरा बैलपान में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने सर्किट हाउस में कांग्रेसजनों से मुलाकात भी की। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार की रात बिलासपुर में 2 वैवाहिक समारोह में शामिल हुए। वर वधु को बधाई देने के बाद वे रात्रि विश्राम के लिए सर्किट हाउस गए। देर रात सूबे के मुखिया से मिलने कांग्रेसी नेताओं ने काफी जद्दोजहद की, मगर वे मिल नहीं पाए। बुधवार की सुबह लगभग 8 बजे से ही कांग्रेस के सिपह सलार मुंगेली इलाका स्थित नए सर्किट हाउस में पहुंचने लगे, लेकिन प्रोटोकॉल के फेर में फंसे अधिकतर लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने से रोक दिया गया। इस दौरान बिलासपुर महापौर रामशरण यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अध्यक्ष, संसदीय सचिव रश्मि सिंह, महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक सहित कुछ गिने चुने चेहरों को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई। लगभग 11 बजे सीएम के गेट से निकलते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद मेन गेट पर मुख्यमंत्री ने गाड़ी रोककर मौजूद पत्रकारों से मुलाकात करते हुए आगे बढ़े। लोगों की समस्याओं और शिकायती पत्र लेकर वे हेलीकॉप्टर से तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के बेलपान और खैरी में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई, सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। राष्ट्रवादी बनो, तुम दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के सदस्य हो, इस नारे को बुलंद करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शहर में रैली निकाली। इसमें सैकड़ों की संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र चेतना के उद्देश्य से बुधवार को शहर में रैली निकाली। इसके माध्यम से छात्रों में राष्ट्रवादिता और समाज में समरसता का भाव जागृत करने का संदेश दिया। रैली का नेतृत्व कर रहे अखिल भारतीय महानगर मंत्री हिमांशु कौशिक ने कहा, एबीवीपी दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। शामिल सदस्यों को ज्ञानशील एकता का मूल मंत्र दिया है, जिसके दम पर हम दुनिया को प्रभुता संपन्न भारतवर्ष की युवा ताकत का एहसास कराएंगे। पूरे भारतवर्ष में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, समझ रहे हैं। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र चेतना माध्यम से ये रैली निकाली जा रही है। पहले हमारा मंच कार्यक्रम हुआ तथा एंडिंग भी मंच कार्यक्रम में होगा। ये रैली है सभी छात्रों को राष्ट्रवादिता से जोड़ने के लिए। ये रैली है सभी सामाजिक समरसता बनाने के लिए। हमारा उद्देश्य है छात्र संगठन, हम दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन है, उसी प्रारूप को दर्शाने के लिए एक छोटा प्रारूप यहाँ पे दिखाया गया है तथा हम समाज के सभी के बीच पहुँचेंगे, छात्रों के सभी बीच पढ़ेंगे और हम दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन है और आगे भी तत्परता से काम करते रहेंगे। कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राओं से बना ये काफिला नगर भ्रमण करता हुआ कोतवाली चौक की ओर बढ़ चला। इस दौरान रैली में शामिल सदस्यों का जगह जगह लोगों ने अभिनंदन किया। हिमांशु कौशिक ने कहा, छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जा रहा है, वे इसकी मांग लगातार कर रहे हैं। एबीवीपी की ताकत से छत्तीसगढ़ सरकार डर गई है। छत्तीसगढ़ में काफी शानदार रिस्पांस है। आपको जैसे कि पता होगा कि सरकार डर के छात्र संघ चुनाव भी नहीं करवाना चाहती है। छात्र संघ चुनाव का हमारा लगातार मांग था, हम संघर्ष किए, ज्ञापन भी दिए कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, लेकिन छात्र संघ चुनाव भी नहीं करा पा रही है। तो सरकार अभावीप से डरी हुई है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से डरी हुई है, बुरी तरीके से डरी हुई है।
सरगंडा देवकीनंदन चौक सदर मार्केट होते हुए रैली तेलीपारा पहुंचकर आम सभा में परिणित की गई। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। राज्य महिला आयोग ने 155वीं बैठक में डॉक्टरों के खिलाफ मामलों की सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने दावा किया कि महिलाओं को न्याय दिलाने में आयोग का काम देश में अव्वल है। विपक्ष का आरोप बेबुनियाद है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की कामकाज की जानकारी लेने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष यहां आई थी। उन्होंने निराकरण वाले बहुत से मामलों में आयोग के हस्तक्षेप को उचित नहीं माना। किरणमयी नायक ने कहा, इससे समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं को न्याय दिलाने आयोग हर संभव प्रयास कर रहा है। फिर विपक्ष का ये आरोप सरासर गलत है कि पीड़ित महिलाओं की हम नहीं सुन रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि हम देश भर में बेहतर काम कर रहे हैं। पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में जो काम हो रहा है और जो फैसले हो रहे हैं वो और किसी भी राज्य में नहीं हो रहे हैं, ये मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आई थी, उन्होंने मुझे पूछा और मेरे दस्तावेजों को देखा, तो वो आधे से ज़्यादा मामलों में उनका खुद का कहना था कि आप ये नहीं कर सकती, आप ये नहीं कर सकती। तो मुझे उससे कॉन्फिडेंस आया कि वाकई हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और महिलाओं को रिलीफ मिल रही है। आपको छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी मामला है क्या कि कोई महिला थाने गई रिपोर्ट लिखाने और FIR नहीं लिखी किसी पुलिस वाले ने? ये तो मैं होने नहीं देती। बुधवार को यहाँ प्रार्थना भवन में हुई पक्षकारों के साथ 155वीं बैठक में अधिकांश मामले डॉक्टरों से जुड़े थे। एक प्रकरण में रेडियोलॉजिस्ट पर प्रसव पूर्व जुड़वा बच्चों की रिपोर्ट दी गई, बाद में डिलीवरी में 3 बच्चों को जन्म देकर मां की मौत हो गई। इस मामले के अलावा सिम्स के डीन के खिलाफ वहां के HOD की शिकायतों पर दस्तावेजों की जांच कमेटी रायपुर में करेगी। पहले डॉक्टर ने जो सोनोग्राफी की उसमें 2 बच्चे बताए, 1.5 महीने बाद दूसरी जगह सोनोग्राफी हुए तो 3 बच्चे बताए, और 3 बच्चों की डिलीवरी भी हुई है और उस डिलीवरी में उसकी मौत हो गई, इसकी बहन की। तो केस हमारे पास है, अब उसको हम जाँच के लिए रायपुर रख लिए हैं, कमेटी से जाँच कराएंगे डॉक्यूमेंट्स की। आज सिम्स के डीन के खिलाफ वहाँ के एक डॉक्टर ने किया था, छोटी ने, तो उस मामले में भी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी दस्तावेज दिए हुए हैं। दोनों को समझाइश दिया गया कि अपने दस्तावेजों को सिलसिलेवार डेट वाइज अरेंज करके जमा करें और रायपुर में कमेटी जांच करेगी, उसके बाद निराकरण किया जाएगा। 5 मामलों में पक्षकार उपस्थित नहीं थे, इतने ही मामले नस्तीबद्ध किए, कुछ का मौके पर निपटारा किया गया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में कार्रवाई समेत क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर मुंगेली के भाजपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। यहां दोनों दलों में राजनैतिक लड़ाई जोरों पर है। 2 महीने पहले नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए जिला भाजपा ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की थी। कार्रवाई नहीं होने पर मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेताओं के नेतृत्व में कलेक्टर का घेराव किया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। पहले तो हम बता दें कि जाति प्रमाण पत्र मामला के यहाँ तत्कालीन नगर अध्यक्ष हेमंत गोस्वामी ने जाति प्रमाण के मामले में अपने को सामान्य जाति न बताकर पिछले बार बताया उस मामले में जाति प्रमाण पत्र जाँच। दूसरा है यहाँ के बजरंग अखाड़े हैं, बजरंग अखाड़े को जो जमीन है उसको भी इनके हिमायती लोगों ने भी अपने कब्जे में कर लिया है, उनका भी केस कमिश्नर के द्वारा जीत लिया गया है। उसके बाद यहाँ का कलेक्टर उसके ऊपर उस जमीन को बजरंग अखाड़े को नहीं दे। पहले भी हमने कलेक्टर को इसके लिए ज्ञापन दिया था, लेकिन आज 2 महीने हो गए हैं, इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आज ये प्रशासनिक अधिकारी कांग्रेस सरकार के दबाव में आकर इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, जबकि एक और मामला था जाति प्रकरण का, एक नेत्री का, जिसका वो जाति प्रकरण की कार्यवाही तुरंत ही हो गई, 15 दिनों में हो गई। तो क्यों मुंगेली जिले में ऐसा हो रहा है कि आज 2-2 महीने हो गए और इस हेमंत गोस्वामी के फर्जी जाति प्रकरण में कोई कार्यवाही, कोई भी परिणाम नहीं आ रहा है? आज इसी के लिए हम सब कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और पूरे प्रशासनिक अमले पूरे कांग्रेस सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। भेंट मुलाकात करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने तखतपुर को दी सौगातें। बेलपान और खैरी में ग्रामीणों से हुए रूबरू, खुड़िया जलाशय से मिलेगा पानी। भूपेश बघेल ने कहा, जनता फिर से उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, भाजपा नेताओं को बताया अप्रासंगिक। छात्र चेतना के लिए ABBP ने निकाली रैली, कहा डर से राज्य सरकार नहीं करा रही छात्र संघ चुनाव।
और फिर मिलने के वायदे के साथ राष्ट्रीय व्यापार मेला संपन्न, शहरी ग्रामीण दर्शकों और व्यापारियों ने उठाया लाभ। खबरों के अंतिम पायदान में आपका स्वागत है। 5 दिवसीय राष्ट्रीय उद्योग एवं व्यापार मेला मंगलवार को समाप्त हो गया। मेले में शहर के अलावा दूर दराज गाँव से भी आकर लोगों ने इसका लुत्फ उठाया। आखिरी दिन यहाँ पैर तक रखने की जगह नहीं बची। 3 साल बाद फिर से बैनर बदलकर शुरू हुआ राष्ट्रीय उद्योग एवं व्यापार मेले में उम्मीद से ज्यादा भीड़ उमड़ी। करीब 350 से अधिक स्टॉल यहां लगाए गए थे, जिसमें केंद्र सरकार के उपक्रमों के साथ राज्य सरकार के विभाग, स्थानीय उद्योग व्यवसाय, सांस्कृतिक स्टॉल के अलावा विभिन्न खान पान, मनोरंजन, ज्ञानवर्धक स्टॉल लगाए गए थे, जो यहाँ आने वाले लोगों के आकर्षण के केंद्र रहे। कोरोना काल के बाद हुए इस भव्य व्यापार मेले में लोगों ने जमकर खरीदारी की। पहले दिन से आखिरी दिन तक जिलेवासियों की उमड़ी भीड़ ने मेले में आए व्यापारियों के चेहरों में मुस्कान भर दी। इस दौरान बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, सभी वर्ग उम्र के लोगों ने मेले का भरपूर आनंद लिया। प्रतिदिन जनप्रतिनिधि अधिकारियों ने भी मेले का अवलोकन कर सफल मेले की आयोजन समिति को बधाई दी। राष्ट्रीय व्यापार मेला जो कि 2-3 साल के अंतराल के बाद में हुआ है, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं बधाई भी दूंगा आयोजन समिति को कि इतना अच्छा आयोजन इन्होंने किया है। और पूरी जनता आतुर थी, बेसब्री से इंतजार कर रही थी इस राष्ट्रीय व्यापार मेले का, जो कि बिलासपुर की एक पहचान है। और सभी व्यापारी बंधु ने भी बहुत ही उत्साह के साथ इसमें अपने स्टॉल लगाए, पूरी जनता जो है उसमें पूरा इंजॉय की है। मेले में अलग अलग कैटेगरी में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ प्रबुद्ध जनों का सम्मान और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों की यहां हौसला अफजाई की गई। मेले के आयोजकों ने बताया कि इस मेले में उन्होंने जितने लोगों की उम्मीद की थी, उससे दुगना प्यार बिलासपुर और आसपास के ग्रामीण अंचलों से आए हुए लोगों से मिला। यही वजह है कि मेले का सफल आयोजन हो पाया है। सफल आयोजन के लिए शहरवासियों को दिल की गहराई से धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय व्यापार मेला कमेटी की तरफ से, और राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रबंधन कमेटी बहुत ज़्यादा खुशी व्याप्त कर रही है, अपने में खुशी महसूस कर रही है, क्योंकि इतना जन सैलाब यहाँ पे उमड़ पड़ा पूरा परिवार के साथ में एंजॉय करने के लिए। और सबसे खुशी की बात यह है कि जितने व्यापारी मित्र हैं हमारे, जो जिन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है, वो करीबन 70% स्टॉल 2024 के लिए बुक कर लिए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, और करोड़ों का व्यवसाय इस मेले में हुआ है। बिलासपुर पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन का और सभी मीडिया कर्मियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी 100% सक्रियता दिखाते हुए इस राष्ट्रीय व्यापार मेला को सफल बनाने में सहयोग किया। और साथ ही बिलासपुर के जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति राष्ट्रीय व्यापार मेला में दर्ज कराई। साथ ही उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस राष्ट्रीय व्यापार मेला का सपोर्ट किया। आयोजकों ने बताया कि मेले का मकसद ग्रामीण अंचलों से आए छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना उनका पहला मकसद था। साथ ही बिलासपुर जैसे छोटे जिले में सभी व्यापारियों के सहयोग और उन्हें संगठित कर इस तरह का भव्य कार्यक्रम होना अपने आप में काबिले तारीफ है, जिसके लिए आयोजन समिति ने बिलासपुर की जनता के अलावा दूर दराज से आए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। जिला आयुर्वेद महाविद्यालय और चिकित्सालय दवाओं की कमी से जूझ रहा है। महाविद्यालय अधीक्षक और प्राचार्य डॉक्टर रक्षपाल गुप्ता ने बताया कि 2 महीने से CGMSC द्वारा दवा सप्लाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण अधिकांश गंभीर मरीजों को महंगे दाम पर बाहर से दवा लेना पड़ रहा है। हालांकि काफी पत्राचार के बाद कुछ दवाएं जरूर उपलब्ध करा दी गई हैं, बावजूद इसके कई महत्वपूर्ण मेडिसिन अस्पताल में अभी भी उपलब्ध नहीं है, इसकी पूर्ति के लिए कहा गया है। जिले में संचालित अधिकतर नर्सिंग होम और क्लिनिक के लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग को 18 संस्थाओं ने लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन भेजा है। वही करीब 80 नए आवेदन क्लिनिक और कुछ नए नर्सिंग होम के लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए हैं। गौरतलब है कि नर्सिंग होम एक्ट के तहत लगातार निरीक्षण कर सुविधाओं के अभाव में बंद किए गए संस्थाओं को फिर से खोलने अनुमति दी गई है। नाली निर्माण से पहले निकला मलबा और गंदगी सड़क में डाल दी गई है, जिससे जिला अस्पताल के आसपास अव्यवस्था फैली हुई है। अस्पताल के बगल में सुलभ आने लोगों को फैली गंदगी से
पार होना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें खासी परेशानी होती है। तारबहार चौक से पुराना बस स्टैंड तक एक तरफ नाली चौड़ा कर इसका पक्कीकरण किया जा रहा है। व्यवस्थित काम नहीं किए जाने से दुकानदार और राहगीर इससे खासे परेशान हो रहे हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।